हे गाइस, टेक एफसी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये फितरत है आपकी, आप चलना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों से थोड़ा ज़्यादा आगे, और इसी फितरत की वजह से आपकी काबिलियत को माना जाता है। तो फिर ये गैजेट्स जो आप देखने वाले हैं, आपको अपने आसपास के लोगों से आगे रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आगे भी रखेंगे। फिर चालू करते हैं आज की पूरी वीडियो, जिसमें आपके काम के कई सारे गैजेट्स मौजूद हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होगा लाइवल से। हेलमेट तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन इस तरह का खूबसूरत हाईटेक हेलमेट शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है उतने ही ज्यादा फीचर वाला भी। इसके ऊपर एलईडी लाइट लगाई गई है और पीछे भी एलईडी लाइट लगाई गई है, यानी आप ग्राफिक रेगुलेशन को भी इसके साथ फॉलो कर सकते हैं। एलईडी लाइटिंग के अलावा इसमें स्पीकर्स भी हैं जो आपको म्यूजिक सुनाते हैं, यानी म्यूजिक सुनाते हुए आपको बाइसिकल का मजा और भी ज्यादा मजेदार आने वाला है। और सिर्फ ये म्यूजिक ही नहीं सुनाता, आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है। साथ में स्मार्टफोन से कनेक्ट होने के बाद आपके फोन पर आ रहे इनकमिंग कॉल्स को उठाने की सुविधा भी प्रोवाइड करता है। आप इसके साथ बढ़िया माइक्रोफोन से अपनी वॉइस सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। इसमें बिलिंग जेट गैजेट भी दिया गया, जिसे आप अपनी बाइसिकल के पैनल के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको वहां इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी बाइसिकल की स्पीड अपने स्मार्टफोन पर ही पता कर सकते हैं। बाइसिकल चलाते हुए आपने कितनी डिस्टेंस मेजर की, आपकी बॉडी कितनी कैलोरी बर्न कर रही है, आपकी हार्ट रेट को भी ये मॉनिटर करेगा। इस हेलमेट को पहनने के बाद आप एक वॉकी टॉकी की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं, और दूसरे अपने इसी तरह के हेलमेट पहने हुए दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हैं। इसमें SOS सेंसर भी है, जो डिटेक्ट करता है किसी भी इमरजेंसी को, और इमरजेंसी कंडीशन में बनने के बाद ही अपना अलार्म खुद ही बजा देता है, यानी आपको सेफ भी रखेगा। नंबर 9, अर्बनएक्स। बाइसिकल चलाना हमें पसंद होता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही किलोमीटर तक। जहां किलोमीटर बढ़ जाते हैं, वहां हमारे बाइसिकल के साथ पैडल मारने की ताकत धीरे धीरे धीमे होती जाती। तो अगर आप अपनी बाइसिकल के साथ अच्छा खासा लंबा वाला सफर तय करना चाहते हैं, तो अपनी नॉर्मल बाइसिकल को बना लीजिए इलेक्ट्रिकल बाइसिकल, और अपने टायर को बाइसिकल के पीछे टायर की जगह लगा दीजिए। बाइसिकल को बढ़िया स्पीड के साथ चलाने के लिए इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगाई गई है, जिसमें बैटरी है, और यह बैटरी डिटेचेबल बैटरी है। इस बैटरी और मोटर की मदद से आप अपनी बाइसिकल को 30 माइल तक लेकर जा सकते हैं और 20 mph की स्पीड तक दौड़ा सकते हैं। यानी आपको जब तक अपनी बाइसिकल में आप पैडल मारना है, तब तक पैडल मारिए, और जहां आप थक जाएं वहां इसके साथ इलेक्ट्रिकल राइडिंग चालू कर दीजिए। और इस इलेक्ट्रिकल राइडिंग को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए इसमें एक्सेलेरेटर भी दिया गया है। इसकी डिटेचेबल बैटरी को निकालकर आप कहीं भी अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, यानी आपको इसके साथ पावर बैंक ले जाने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 8, हैदवे। प्लास्टिक हमारे इको फ्रेंडली माहौल के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, और इससे ज्यादा शायद ही किसी चीज से पोल्यूशन फैलता हो। और फिर पानी की बोतल तो हम एक बार में पीते हैं और उसे फेंक देते हैं, लेकिन यह बोतल खत्म नहीं होती और जहां भी रहती पोल्यूशन फैलाती रहती। तो अगर आप अपने माहौल को इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो गाइस इस्तेमाल कीजिए कोलैप्सिबल बोतल। इसमें जब अब तक पानी रहता है, अपने साइज को एक बोतल की तरह रखती है, और जैसे ही इसका पानी पी लिया जाता है, तो इसका साइज एक छोटी रिंग की तरह हो जाता है। तो अगर आप एक लंबे सफर पर जा रहे हैं या ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो आपको अब बॉटल के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, और आप अपने पॉकेट में इस तरह का बॉटल रखकर आराम से किसी भी पानी के सोर्स से इसकी मदद से पानी पीकर या फिर से इसे पॉकेट में रख सकते हैं। वैसे भी हमारे इंडिया में फर्स्ट यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है, और अगर आप इस तरह के किसी प्लास्टिक की फर्स्ट यूज क्वालिटी की बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। तो आप इस तरह के जुर्माने से भी इस गैजेट के साथ बच सकते हैं। नंबर 7, सोब्रो। घर हो या ऑफिस, सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज और आसानी से किसी भी घर में मिल जाने वाली चीज है, वो है टेबल, जो लगभग हर घर या ऑफिस में होती है, और इतनी ही जरूरी काम में भी आती है। तो अब यह टेबल काफी हाईटेक हो चुकी है, और अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक फीचर के साथ देखने में काफी खूबसूरत है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्विच बटन भी दिए गए जो टच पैड की तरह काम करेंगे। इसके साइड में 2 USB पोर्ट, जिनकी मदद से आप अपने USB केबल को इसमें लगाकर, अपने चार्जर को इसमें लगाकर अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। यह टेबल स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगी, और स्मार्टफोन से कनेक्ट होने के बाद आप इसके साथ म्यूजिक भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसके साइड में एक बढ़िया क्वालिटी में स्पीकर्स भी दिए गए हैं। इसके नीचे खूबसूरत LED लाइटिंग सेटअप है, और इसके बकेट में आपकी कोई भी ड्रिंक ठंडी नहीं हो पाएगी और पूरी तरह से सिर्फ गर्म रहेगी। आप क्रिकेट मैच देखते हुए या किसी भी तरह की TV स्क्रीन पर अपनी जरूरी चीजें देखते हुए बार बार अपने ड्रिंक को लेने के लिए नहीं जाएंगे, और आपको अपनी ड्रिंक एक ही जगह पर मिल जाएगी। नंबर 6, स्मार्ट हेलो 2। कार में स्टेयरिंग के पास होता है डिजिटल मीटर, बाइक में भी हमारे हैंडल के सामने होता है, लेकिन बाइसिकल में इस तरह का कोई भी मीटर नहीं होता। पर अब आप इस गैजेट के साथ बहुत ही लाइट वेट मीटर अपनी बाइसिकल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस मीटर के पास अपना एक ग्राफिकल डिस्प्ले है, जिस ग्राफिकल डिस्प्ले पर ही आपकी बाइसिकल चलाते हुए स्पीड बताएगा, और आपने कितना डिस्टेंस बाइसिकल के साथ तय किया है यह भी आपको बताएगा। इस गैजेट को अपनी बाइसिकल में लगाने के बाद यह तय कर वह भी बताएगा। बाइसिकल चलाते हुए आपके स्मार्टफोन पर आ रहे इनकमिंग कॉल और मैसेज भी आपकी स्क्रीन पर बताएगा, और साथ में आपको इसको लगाने के बाद किसी से भी रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें आगे चलने, बाएं दाएं मोड़ने की इन्फॉर्मेशन भी इसकी स्क्रीन पर देख सकेंगे। स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आप इसकी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन में आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने स्मार्टफोन का मैच किसी के साथ
अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं भी गलत पते पर नहीं पहुंचने देगा। इसका साइज काफी छोटा है और यह लाइट वेट स्लिम बेल्ट है जो आसानी से कार के हैंडल पर इंस्टॉल हो जाता है और आपके घर के स्मार्ट बल्ब से भी यह कनेक्ट हो जाता है। नंबर 5, मी मूवर। पैदल चलना और रनिंग करना आपको बेहद ज्यादा पसंद है, लेकिन पैदल चलने में रनिंग करने में आप लंबी दूरी तय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको बाइक लेना पड़ती है। तो अब बाइक मत लीजिए, बाइसिकल ले लीजिए। ये बाइसिकल बहुत ही डिफरेंट साइज की बाइसिकल है, जिसके अपने 16 इंच के टायर है और इस पर किसी भी तरह का पैडल नहीं मारना पड़ेगा और आप पैदल चलते हुए इसको एक्सीलेट कर सकते हैं। और जितनी तेजी से पैदल चलेंगे और जितना फोर्स लगाएंगे, यह उतनी ही तेज गति से चलेगी। इसका साइज बाइसिकल के इतना ही है, लेकिन इसमें बैठने के लिए लेजीनेस दिखाने के लिए कोई जगह नहीं। यह आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट कराएगी। इसके साथ आपके चारों हाथ पैर बढ़िया वाली मेहनत करेंगे और आपकी बॉडी की फिटनेस भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनी रहेगी। इसे आप अपनी कार की डिक्की में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इसका हैंडल तो काफ़ी ज़्यादा फोल्डेबल है। नंबर 4, बायोलाइट। घर से दूर आग जलाना या पिकनिक स्पॉट पर खाना बनाने के लिए आप आग जलाएंगे, यानी पहले लकड़ियों के टुकड़ों को जगह जगह से ढूंढेंगे और फिर उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करके काफी देर तक आग जलाने की कोशिश करेंगे। इसको करते करते हम कई बार अपने पिकनिक का मजा खो देते हैं और एंजॉय नहीं कर पाते। अब इस गैजेट को पिकनिक में अपने साथ ले जाने के बाद आप एक चिंगारी देते हुए आग जला सकते हैं, क्योंकि आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होगा और आपको इसे अपने मुंह से हवा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह अपने अंदर इंटीग्रेटेड फैन रखता है, जिसे आप तेजी से चलाकर चिंगारी को आग में बदल सकते हैं। किसी सिलेंडर या चूल्हे से इसका साइज काफी छोटा है और आप इसे अपने एक हाथ में पकड़कर या उठाकर आसानी से अपने साथ लेकर जा सकते हैं। यह मजबूत बॉडी मटेरियल का बनाया गया है और इसकी इंटरनल लाइन तो स्टील की बनी हुई है, यानी जलती हुई आग से इसकी बॉडी फ्रेम का तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन यह लकड़ियों और कोल डालने के बाद लगी हुई आग से आपके खाने को बहुत अच्छे से पका देगा। अगर आप सर्दियों में कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां आपको अपनी बॉडी को हीट देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके साथ आप आराम से अपने हाथ पैर को हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, टाइटन ड्रोन। समुद्र के ऊपर से खींची गई फोटो तो आपने वॉलपेपर के तौर पर अपने स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर कई बार देख ली। यह भी जरूर सुना होगा कि समुद्र जितना हो ऊपर से यह खूबसूरत नहीं दिखता जितना यह पानी के अंदर खूबसूरत है। इसमें कई राज छुपे हैं, तो इस खूबसूरती को और इसके राज को अगर आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता है, तो फिर आपके लिए बनाया गया है ड्रोन, जो हवा में नहीं उड़ता, पानी के नीचे चलता है और 492 फीट नीचे तक के पानी में जा सकता है। इस ड्रोन में लगा हुआ है 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी वाला कैमरा, जो अपने सामने ही समुद्र में चल रही हलचल को बिल्कुल रियल टाइम में इसके कंट्रोलर की स्क्रीन तक लाइव वीडियोग्राफी के द्वारा पहुंचाता है। 3000 हाई न्यूमेन वाली LED लाइट्स में लगी हैं और यह पानी में 6.6 फीट तक की मैक्सिमम स्पीड से नीचे जा सकता है। यह अपने कैमरे से 160 डिग्री एंगल तक समुद्र के अंदर एपिक मूवमेंट को और अंधेरे में बिल्कुल क्लियर वीडियोस को सही से लेने की एबिलिटी रखता है। साथ में यह पानी के अंदर तैरने वाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रोन है, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट माना जाता है। नंबर 2, पॉप स्लैट 2। स्मार्टफोन पर हम बैक कवर या फिर केस सिर्फ स्मार्टफोन की स्क्रीन को या स्मार्टफोन की हालत को सही सलामत बरकरार रखने के लिए लगाते हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन को एक्सटर्नल बॉडी तो दे देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जगह भी ले लेते हैं, लेकिन काम सिर्फ इतने ही आते हैं। लेकिन इस फोन के इसके को लगाने के बाद आपके स्मार्टफोन के साथ आपको मिलेगा एक और स्क्रीन। जी हाँ, आप इस स्क्रीन में अपने सोशल मीडिया या उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें अपना ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले है, जिसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं या अपने पार्टनर का पिक भी लगा सकते हैं। पढ़ने के लिए इसे नोटबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटबुक से पढ़ने से ज्यादा बेहतर हम स्मार्टफोन चलाना पसंद करते हैं, तो हम अपने स्मार्टफोन की इस दूसरी स्क्रीन से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन के ओरिजिनल स्क्रीन पर आपने एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऐप डाउनलोड किए हुए हैं और पढ़ते टाइम आप इन ऐप्स को देखना नहीं चाहते, तो यह दूसरी स्क्रीन आपको पढ़ाई में इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आप जिस चीज़ के लिए इस स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे उसमें सबसे आगे रहेंगे। नंबर 1, प्ले बल्ब। बल्ब का नाम सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि किसी पुराने टाइप के बल्ब आपको दिखाने वाले, लेकिन ये बल्ब तो अभी चल रही व्हाइट कलर की LED लाइट फ्लैश से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि LED लाइट वाले बल्ब तो व्हाइट कलर का हाई फ्लैश आते हैं, जो कि सिर्फ रोशनी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह हमारे घरों में बल्ब की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, पर यह तो आपके कई सारे कलर्स में अवेलेबल है। अगर हमें कलरफुल लाइफ अपने आसपास बनाना है, तो हर तरह के कलर को अपने हिसाब से अपने बल्ब में लगाना होगा। तब बल्ब को पेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि यह स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है और आप अपने स्मार्टफोन से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। यह एक नहीं, दो नहीं, कई सारे कलर्स अपने साथ रखता है। अगर आपके फ्रेंड्स इकट्ठा हो चुके हैं और आपका पार्टी का मन बन चुका है, तो पार्टी के लिए आपके पास लाइटिंग का यह सेटअप गजब कराएगा और आपके घर में ये एक डिस्को वाली फीलिंग पहुंचा देगा। सो गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ चुकी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उस रेड वाले बटन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला वीडियो और अगला सुपर कैसे आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।